यार देखो आज है 14 सितंबर, तो फिर देखो ऐसी खबरें निकल के आ रही थी और मैंने खुद बताया था कि 14 सितंबर से जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी वो टिकट्स, ऑनलाइन टिकट जो कि आपको मिलने वाली सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में, यानी कि 75 रुपीज में। लेकिन देखो आज आ गया 14 सितंबर और अभी तक जो है ना इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा डिसाइड हुआ था कि 16 सितंबर को जो है ना आपको 75 रुपए में मूवी टिकट देखने को मिलेगी, और कोई भी मूवी हो, वो ब्रह्मास्त्र हो, कार्तिकेय 2 हो, या फिर कोई भी मूवी हो जो भी थिएटर में लगी होगी उसकी जो टिकट प्राइस होगी वो होगी 75 रुपए। लेकिन अभी तक जो है ना इसकी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। तो फिर अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो इसकी जो डेट है ना उसको चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कि आपको 75 रुपए में टिकट देखने को मिलने वाली थी 16 सितंबर को, उसकी डेट बढ़ा दी गई है एक हफ्ते से ज्यादा और उसको कर दिया गया 23 सितंबर। जी हाँ, 23 सितंबर को जो है ना आपको देखने को मिलेगी मूवी टिकट्स 75 रुपए में, ना कि 16 सितंबर को। तो फिर अगर आपको इसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी है 75 रुपए वाले टिकट्स की, जो कि होगा 23 सितंबर को, तो फिर जो है ना इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी 21 या फिर 22 सितंबर को। जी हाँ, या तो ये 21 सितंबर को या फिर कहो तो 22 सितंबर को जो है ना आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी 23 सितंबर के लिए, यानी कि 23 सितंबर को 23 सितंबर को जो भी शोज लगे होंगे थिएटर्स के अंदर वो आपको 75 रुपए यानी कि 75 रुपीज में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात ये कि इसमें जो है ना कुछ एडिशनल चार्जेस जरूर लगने वाले थिएटर के, जैसे कि एडिशनल चार्जेस में हो गया आपका सर्विस टैक्स या फिर जीएसटी, तो फिर उन सबको जोड़ के जो ना करीब 100 से 125 के बीच में जो है ना आपको मूवी टिकट देखने को मिल जाएगी, लेकिन 16 सितंबर को नहीं, बल्कि आपको ये देखने को मिलेगी 23 सितंबर को। और इसकी जो बुकिंग होगी यानी कि 75 रुपए की जो बुकमार्शो पर बुकिंग स्टार्ट होगी ना वो होगी 21 या फिर 22 सितंबर को। तो फिर अगर आप लोग कंफ्यूज थे कि अभी तक इसकी बुकिंग शुरू क्यों नहीं हुई, तो फिर मैंने आपको बता दिया। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है ना, तो फिर ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि इसके 5 से 6 दिन के अंदर जो है ना पूरे एक दिन के लिए 75 रुपए में टिकट्स मिल रही है, यानी कि जहां पर टिकट्स मिलने वाली थी 250, 300, 500 रुपए की, वहां पर सिर्फ 75 रुपए की टिकट्स बिकेगी, तो फिर इसको बहुत बड़ा घाटा होगा। इसी को जो ध्यान में रखते हुए इसकी डेट चेंज की गई है 16 से 23 सितंबर को। तो फिर अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन था, तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो मेरी इस वीडियो से। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए।